इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ फाइव किंगडम के बाद में हम अब बात कर लेते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की, है ना। तो देखिए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं इसको, तो यहां पर छह किंगडम होने चाहिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो सर्वमान्य क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है, आरएच व्हिटेकर का पांच जगत क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही यहां पर सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन इसके बाद में कार्ल वूज आए और कार्ल वूज ने यहां पर एक कंसेप्ट दिया कि भाई छह किंगडम भी यहां पर हम बता सकते हैं, ठीक है ना। छह किंगडम कह सकते हैं आप इसको, इसको थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखें, तीन डोमेन पूछ ले आपको या फिर आपको छह किंगडम क्लासिफिकेशन पूछ ले, किसने दिया था, कार्ल वूज ने। बेटा सिलेबस में है ये चीज, केवल एक लाइन में बताया हुआ है, लेकिन अपन इनको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब देखिए कार्ल वूज ने यहां पर जो तीन डोमेन बनाए, क्या बनाए, तीन डोमेन बनाए, वो किसके आधार पर थे, तो वो आधार था उनका इनके अंदर कोशिका में पाया जाने वाला जो 16S rRNA है उसके आधार पर, है ना, कि 16S rRNA किस प्रकार का है या उसमें किस तरीके का कंपोजिशन है, उसके बेस पर या इसको आधार मानते हुए उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को तीन डोमेन में विभक्त किया। वो तीन डोमेन कौन से थे, आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकेरिया। कौन कौन से हैं, आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकेरिया। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा आर्किया के अंदर किसको इंक्लूड किया, आर्की बैक्टीरिया को। यूबैक्टीरिया में किसको इंक्लूड किया, तो यूबैक्टीरिया को। और जो आपके यूकेरिया है उसके अंदर समस्त यूकेरियोट्स को सम्मिलित कर दिया गया। एटमीन्स अगर मैं सीधा सा और सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं यहां पर, तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है, जो आपका मोनेरा किंगडम था जिसमें दो प्रकार के जीवाणु आते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, उस मोनेरा किंगडम को उन्होंने, कार्ल वूज ने दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, आर्की बैक्टीरिया अलग कर दिए जिनको किस में रखा, आर्किया में रखा, और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया जिसको आपने किस में रखा, यू बैक्टीरिया में। तो आपका पहला किंगडम कौन सा हो गया, ये रहा आर्की बैक्टीरिया या आर्किया कह सकते हो। दूसरा किंगडम कौन सा हुआ, यू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया कह सकते हो। और उसके बाद में देखें सारे यूकेरियोट्स, तो यूकेरियोट्स किस में होते हैं, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक, तो ये आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो टोटल नंबर ऑफ किंगडम कितने हो गए, छह हो गए। वापस से समझ लीजिए एक बार, कार्ल वूज ने यहां पर तीन डोमेन सिस्टम प्रदर्शित किया, उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को तीन डोमेन में बांट दिया, जिसमें उन्होंने इतना सा चेंज किया कि जो मोनेरा किंगडम था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को उन्होंने कहा आर्किया और दूसरे को उन्होंने कहा यूबैक्टीरिया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आ गए सारे के सारे, और यूबैक्टीरिया में यूबैक्टीरिया को सम्मिलित कर दिया गया, और बाकी जो यूकेरिया तीसरा डोमेन था उसके अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आपसे सीधा यह भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूकेरिया में कितने जगत आते हैं। तो ध्यान में रखें यूकेरिया के अंदर चार आते हैं, कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। चारों को क्यों रखा, बिकॉज ऑफ ऑल हैव दी यूकेरियोट्स, सारे की सारी यूकेरियोटिक सेल रखने वाले होते हैं, ठीक है। अब देखें जो इसका मेन कंसेप्चुअल पॉइंट है वो ये रहा कि इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग किया, तो कुछ लक्षणों के आधार पर, ये दो लक्षण हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना। पहला तो आ जाता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर और दूसरा आ जाता है लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले देखें कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यू बैक्टीरिया में मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन, यानी यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। जबकि आर्की बैक्टीरिया की देखें तो आर्की बैक्टीरिया में काफी कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है, जिसमें आपको कोई बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड दोनों मिलते हैं, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों मिलते हैं, है ना। एक तो ये बात, दूसरा पॉइंट था लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके अंदर किस प्रकार का लिपिड, तो जो यू बैक्टीरिया है उनके अंदर अनब्रांच्ड लिपिड मिलता है, अशाखित वसा मिलती है,
जबकि इसके अंदर आपको ब्रांच्ड लिपिड देखने को मिलता है, और यही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की अपेक्षा अधिक मार्श एरिया में, यानी एसिडिक एनवायरमेंट हो गया आपका, दलदली भूमि हो गई, लवणी भूमि हो गई, इनमें आर्की बैक्टीरिया देखने को आपको मिलते हैं। तो ये थी बात आपकी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो एक बार फिर से समझ लीजिए आप इसे कि कार्ल वूज ने आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग किया किन लक्षणों के आधार पर। तो मुख्यतः दो लक्षण थे, एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर और दूसरा था लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बात करें सेल वॉल के स्ट्रक्चर की, तो जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है, कंपोजिशन यहां पर क्या है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। किसमें? यू बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। जबकि बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति जो है वो स्यूडो म्यूरिन की बनती है। किसकी बनी होती है? स्यूडो म्यूरिन की। और ध्यान में रखें, स्यूडो म्यूरिन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो सेल वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है ना, इसीलिए आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। क्यों? स्यूडो म्यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता था? इसके अंदर पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये एक फीचर आपको समझ में आया कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन है दोनों में अलग अलग है, कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई इंपोर्टेंस रखेगा। दूसरा आ जाता है कि जो उनकी प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर लिपिड, तो यहां पर आपको अनब्रांच्ड लिपिड मिलता है और यहां पर ब्रांच लिपिड मिलता है। और इसीलिए इन दोनों कारणों से ही आप ध्यान में रखें, जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में भी आसानी से क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थितियां कैसी? जैसे गर्म जल स्रोतों के अंदर पाए जाने वाले, जैसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एक बैक्टीरिया है जिसे आप कहते हैं थर्मस एक्वाटिकस, गर्म जल के जल झरनों में पाया जाता है, और जिससे आप एक एंजाइम भी प्राप्त करते हैं, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है ना, और उस टैक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग आप कहां करते हैं, किसमें करते हैं? पीसीआर के अंदर। तो ध्यान में रखेंगे ये पॉइंट आपको केवल यहां पर। उसके बाद में जैसे लवणीय दशाएं हो गई है ना, तो गर्म जल के जल स्रोत हो गए, लवणीय दशाएं हो गई, इस प्रकार के मार्शी एरिया या अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अगर आपको आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, तो वो किसकी वजह से? एक तो इसके सेल वॉल के कंपोजिशन की वजह से, और दूसरा इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ब्रांच्ड लिपिड पाए जाते हैं इसकी वजह से। तो ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट था यहां पर, कौन सा? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का।